नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। हमारे खास सेगमेंट ये कैंडिडेट खास में बात आज एक ऐसे नेता की जो 15 साल की उम्र में जेल गया, बंदूक लूटी, नक्सल आंदोलन में शामिल रहा और सीने पर गोली भी खाई। बात ऐसे नेता की जो हर मुश्किल में कांग्रेस पार्टी के लिए ढाल बन जाता है, लेकिन उनके बयानों ने कई बार कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया। बात कांग्रेस के लोकसभा में नेता रहे अधीर रंजन चौधरी की। कभी प्रिंस ऑफ मुर्शिदाबाद के नाम से जाने जाने वाले अधीर रंजन का जन्म 1956 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ। अधीर रंजन चौधरी की कई पहचान है। उन्हें मुर्शिदाबाद जिले का राजकुमार कहा जाता है। गरीबों के मसीहा और रॉबिनहुड के नाम से भी जाना जाता है। जब बंगाल में लेफ्ट पार्टियों की लहर थी तब भी, और जब टीएमसी की बंगाल में आंधी है अब भी, अधीर रंजन अकेले बंगाल में कांग्रेस का झंडा लहरा रहे हैं। पिछले दो दशक से उन्होंने मुर्शिदाबाद को अपना एक मजबूत किला बना रखा है, जिसको भेदना दूसरी पार्टियों के लिए अब तक नामुमकिन रहा है। वैसे विवादों से गहरा नाता रखने वाले अधीर रंजन चौधरी ऐसे नेता हैं जिनकी लाख आलोचना की जाए लेकिन अनदेखी नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत फॉरवर्ड ब्लॉक से की, लेकिन राजीव गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। 1991 के विधानसभा चुनाव में नवाग्राम सीट से अधीर रंजन पहली बार मैदान में उतरे। इस चुनाव में सीपीएम समर्थकों ने खूब हिंसा की और इस चुनाव में अधीर लगभग 1401 वोटों से हार गए थे। इसके बाद 1996 के विधानसभा चुनाव में उन्हें नवाग्राम सीट से कांग्रेस ने फिर से उम्मीदवार बनाया, लेकिन तब एक हत्या के आरोप में वो जेल में थे। कहा जाता है कि तब जेल में वो भाषण रिकॉर्ड करते थे और बाहर चलाया जाता था। इन चुनाव में अधीर रंजन 23,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए और पहली बार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लोकसभा का रुख किया। 1999 के चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें बहरमपुर सीट से टिकट दे दिया। इस चुनाव में अधीर रंजन चौधरी 95,000 वोटों से जीत गए। उनकी इस सीट से जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि वो बहरमपुर सीट से जीतने वाले पहले कांग्रेसी नेता थे। इस सीट से वो अब तक 5 बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी का दबदबा इस कदर है कि उनकी पहल पर ही पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2004 में जंगीपुर सीट से अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। कहा जाता है कि प्रणब मुखर्जी की 2004 और 2009 में अल्पसंख्यक बहुल जंगीपुर सीट पर जीत के असली नायक अधीर रंजन ही थे। बंगाल में उनकी बड़ी राजनीतिक हैसियत के कारण ही 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा मिला और 2014 में बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हार के बाद अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में अपना नेता बनाया था। मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी विधानसभा से लेकर पंचायत चुनाव तक कई बार पार्टी की इच्छा के खिलाफ जाकर बागी उम्मीदवारों तक को जिताते रहे हैं, लेकिन उनकी ताकत ही ऐसी है कि पार्टी ने कभी उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई की ही नहीं। संसद के भीतर और बाहर भी उनकी छवि एक मुखर वक्ता की है। वो संसद में कई बार मोदी सरकार पर तीखे हमले कर चुके हैं और ममता बनर्जी से भी उनके रिश्ते हमेशा तलख रहे हैं। फिलहाल उन्हें अपनी सीट पर क्रिकेटर यूसुफ पठान से कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अधीर रंजन चौधरी अपना किला बचा पाते हैं या नहीं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।